व्यापारी भाई अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के आह्वान पर एकत्रित हुए हैं। इस इकट्ठ करने का उद्देश्य मंच की स्थानीय इकाई का गठन करने के साथ साथ अपनी सभी समस्याओं एवं कठिनाइयों को आपस में मिल बैठ कर साझा करने का है। प्यारे दोस्तों, चुनाव का वर्ष है, जिस कारण सभी पार्टियों के नेतागण प्राय सभी मंचों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु अनेकों शब्द बाग दिखाएंगे। हमारा मंच एक गैर राजनीतिक मंच है। इसके सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को अपनी स्वतंत्र राय रखने की पूर्ण अधिकार है। फिर भी यह एक मौका है, एक अवसर है, जिसमें हम अपनी आवाज जोरों शोरों से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष में मुख्यतः तीन वर्ग हैं, एक किसान वर्ग, दूसरा कर्मचारी वर्ग, तीसरा व्यापारी वर्ग। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने किसान वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को सुविधाएं देने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या किसी भी सरकार ने व्यापारी वर्ग को कोई भी छूट दी है? किसी व्यापारी को कोई सहायता की है? सरकारें जिस प्रकार किसानों को बैंक ऋण लेने पर ब्याज की सब्सिडी देती है, क्या व्यापारी को वर्ग को देती है? उल्टा करंट खातों में जमा करवाने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, लिमिट बनवाने में अधिकतम ब्याज लिया जाता है, इंस्पेक्शन के खर्चे अलग से वसूले जाते हैं। यह विरोधाभास क्यों इसी विरोधाभास को समाप्त करवाना है? क्या सरकार किसी भी व्यापारी का कोई भी नुकसान होने पर या घाटा पड़ने पर कोई मुआवजा प्रदान करती है? क्या सरकार किसी भी व्यापारी को अपना व्यापार करने के लिए अथवा विस्तार करने के लिए सस्ते दरों पर ऋण प्रदान करती है? आखिर क्यों? क्योंकि हम अन्य वर्गों की भांति संगठित नहीं है। यदि हम संगठित हो गए तो सरकार तो क्या कोई अधिकारी भी हमें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार एक और एक जुड़ने से 11 हो जाते हैं। यही संगठन की शक्ति होती है। कल परसों ही हमारी सरकार ने देश का बजट प्रस्तुत किया है, आपने देखा होगा, इसमें सभी वर्गों को कोई ना कोई छूट दी है। यदि कोई वर्ग अछूता रहा है तो वह है व्यापारी वर्ग, जबकि देश में व्यापारियों की संख्या 7 करोड़ है, परंतु बजट में इनको पूरी तरह से नकार दिया गया है। जबकि व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बजट को देखकर लगता है कि व्यापारी अवांछनीय है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण हम स्वयं हैं। हमने कभी मिल बैठकर इस विषय में चर्चा नहीं की, क्योंकि हमें सदा समय की कमी रहती है। आज भी आपने देखा होगा, समय की कमी है सबके पास। लेकिन अब समय आ गया है कि इस विषय पर मिल बैठकर विचार करें। समय की कमी को दूर करने के लिए महीने के किसी एक वार को अपना व्यापार बंद रखें। लेकिन यह कभी संभव होगा जब आप सभी इसके लिए लामबद्ध हो सके। दोस्तों, हम कभी सेल टैक्स के रूप में, कभी GST के रूप में, कभी इनकम टैक्स के रूप में, कभी लाइसेंस फीस के रूप में, कभी मार्केट फीस के रूप में प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए सरकार को प्रदान करते हैं। लेकिन बदले में सरकार हमें क्या सुविधाएं देती है? क्या सरकार ने किसी व्यापारी का नुकसान होने पर मुआवजा दिलवाया? क्या सरकार ने कोई व्यापारी वर्ग कल्याण बोर्ड बनवाया? क्या सरकार ने किसी व्यापारी का मुफ्त बीमा करवाया? क्या सरकार ने किसी व्यापारी की रिटायरमेंट पर पेंशन लगवाई? आखिर क्यों सरकारें हम व्यापारी वर्ग को सोशल सिक्योरिटी की सौगात नहीं देती, जबकि हम सरकार को लोगों से हर वर्ष लाखों का टैक्स कलेक्ट करके उसका खजाना भरते हैं? जब हम व्यापारी वर्ग भी सरकारी मशीनरी का हिस्सा है, तो हमें भी सरकारी कर्मचारियों की भांति बीमा और रिटायरमेंट स्कीमों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस विषय में मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज इनको प्रकट करने का उपयुक्त मंच नहीं है। इन सभी प्रश्नों को उपयुक्त मंच पर प्रस्तुत करूंगा, जब हमारे मंच पर सभी राजनीतिक पार्टियों के लीडर उपस्थित होंगे। आज तो हमें केवल अपनी पार्टी बनाने की प्राथमिकता है। मैं चाहता हूँ कि सभी किस्म के ट्रेडर अपना अपना एक एक प्रतिनिधि हमें कार्यकारिणी गठन करने के लिए प्रस्तावित करें, ताकि हम कार्यकारिणी का गठन कर सकें। इसके साथ ही सभी व्यापारी, चाहे किसी भी ट्रेड के हों, हमारे मंच का सदस्य बने। सभी व्यापारी भाइयों को सदस्य बनाने के बाद एवं कार्यकारिणी का गठन करने के बाद हम यहाँ पर एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाकर अपनी सभी डिमांडों को उनके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करवाने को मजबूर कर देंगे। दोस्तों, एकता में शक्ति होती है। यदि आप आज संगठित होकर आवाज उठाएंगे, तो कल को पड़ोसी भी हमारी आवाज में आवाज मिलाएंगे। यदि हमारी आवाज की गूंज
सरकार के कानों में गूंजी तो सरकार भी हमारी मांगों पर सुविधाएं देने को मजबूर हो जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आवश्यकता है सर्वप्रथम केवल अपने आप को जगाने की, अपने आप को संगठित करने की, मंच के एक आह्वान पर मर मिटने की, तो कोई कारण नहीं कि हम अपने प्रयास में सफल न हो सके। दोस्तों, कल जब मैं अपने व्यापारी भाइयों को यहाँ एकत्रित होने के लिए आमंत्रित कर रहा था तो कुछ व्यापारी भाइयों ने मुझे कुछ बहुत ही बढ़िया सुझाव दिए हैं। मसलन, जैसे महीने में एक बार बाजार बंद रखने हेतु, एक ग्राहक द्वारा व्यापारी भाई के पैसे मारकर दूसरे व्यापारी के साथ जुड़ने हेतु, किसी शरारती तत्व द्वारा अथवा किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी भी व्यापारी को नजायज तंग करने बारे कई विचार मेरे सामने लाए। मेरा सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि वह सभी मिलजुल कर बहुमत से जो भी फैसला लेंगे मंच को वह सहर्ष स्वीकार होगा। मंच आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है और हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जो भी आपने सुझाव करे हैं वो भी इसी मंच पर दें ताकि उसको मिल बैठकर हम जैसा आप सभी कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। मंच को आपकी जरूरत केवल एक है कि एक आह्वान पर